गई हैं। अंदाज और नुकीले हो रहे हैं और वार और पहने और तीखे हो रहे हैं। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आज के दिन बंगाल में जो सियासी हलचल है उसे दिखा रही हैं। जहां ममता ने आज एक बार फिर दावा किया कि जीतेंगी वही चाहे बीजेपी जो कर ले, वहीं बीजेपी अपने मिशन बंगाल के चौथे दौर में और दमखम से जुट गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक बार फिर बंगाल के दौरे पर हैं। उन्होंने सिंगूर में एक भव्य रोड शो किया और बंगाल में जीत का दावा किया। वहीं जय श्री राम के नारे को लेकर राजनीति भी बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक रैली के दौरान कहा कि दीदी को दिक्कत हमसे या बीजेपी से हो सकती है, लेकिन जय श्री राम के नारे से क्या चिढ़ है। और ये तस्वीरें अपने आप में चौथे चरण की तैयारी में जुटे पश्चिम बंगाल के उन तमाम राजनीतिक दलों की एक वानगी दिखाती हैं, जो अब उलझे हुए हैं कि किस तरीके से चौथे चरण की सीटों में अपना दमखम जोर शोर से सामने रखा जाए। ये चार तस्वीरों को आप देखिए और समझिए कि इस बार जो लड़ाई है वो ममता वर्सेस मोदी हो चुकी है, क्योंकि शाह हुंकार भर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हुंकार भर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के इस वक्त बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में तीन चरणों का चुनाव तो हो चुका है और अब लड़ाई अंतिम पांच चरणों के लिए है। इसी महासंग्राम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से बंगाल पहुंचे। अमित शाह ने बंगाल के सिंगूर में मेगा रोड शो किया और रोड शो के दौरान शाह ने एक बार फिर बंगाल में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया। शाह के मुताबिक शुरुआती तीन फेज में ही बीजेपी 65 से 68 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ये तस्वीरें अमित शाह के मेगा रोड शो की, जो कि उन्होंने सिंगूर में निकाला। सड़कों पर तमाम बीजेपी समर्थक उनके साथ मौजूद। सिंगूर वो जगह है जो कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में एक अहम जगह रखती है। और वहीं डोमजूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिक्शा चालक जो कि बीजेपी समर्थक भी है उनके घर दोपहर का खाना खाया। बेहद सादगी भरे अंदाज में अमित शाह ने जमीन पर बैठकर पारंपरिक पत्थर पर यह खाना खाया और इस दौरान बीजेपी नेता राजीव बनर्जी और स्थानीय बीजेपी नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। अमित शाह ने इस दौरान रिक्शा चालक और उनकी पत्नी से बात भी की और लोकल लेवल पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा। तस्वीरें गृहमंत्री अमित शाह की, हर नगर हर गली बीजेपी को पूरे दमखम से सामने रखने की कोशिश में और इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी। और एक बार खबर और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं लेकिन जय श्री राम के नारे पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जय श्री राम के नारे पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। आज बंगाल के जलपाईगुड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने ममता से पूछा है कि आखिर श्री राम के नारे से इतनी चिढ़ क्यों है। वो तो लड़ाने से ही फुर्सत नहीं है, उनकी सहानुभूति तो उन लोगों के साथ में है जो दंगा फसाद करते हैं, उनकी सहानुभूति उन लोगों के साथ में है जो मां दुर्गा की पूजा करने से रोकते हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ में जो मां लक्ष्मी की पूजा और मां सरस्वती की पूजा करने से रोकते हैं। और दीदी तो इस समय इतनी चिड़ी हुई है, इतनी नाराज है, या वो कह रही है कि जय श्री राम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। राम से टकराने का जो भी दुस्साहस किया है उसकी दुर्गति हुई है और टीएमसी की बंगाल के अंदर दुर्गति तय है, ये निश्चित है और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। उधर ममता बनर्जी भी अकेले ही मैदान में बीजेपी को चुनौती देती नजर आ रही हैं और चुनाव के बढ़ते चरणों के साथ ही उनके बीजेपी पर हमले तीखे होते जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए ऐलान किया है कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले इस बार टीएमसी ही बंगाल में सरकार बनाएगी। यही नहीं, ममता ने चुनाव के दौरान हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी बताया। बीजेपी की रमजान छद्मवेशी शैतान, सामना सामने जा इच्छा दंगा करे, खून करे, लूट करे, बोम मारे, गुली चालाय, और मानुष के देखिए इलेक्शन समय मंदिर एकटा करे माथा ठोके